हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आकाश विजयन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइटनिंग के बारे में। ठीक है, लाइटनिंग मतलब जो आपको बिजली जो आपकी गिरती है, जो आपकी बिजली जो कड़कती है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे क्यों जो भारत में लाइटनिंग की वजह से इतने सारे लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है, क्यों जो है वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और ये टॉपिक आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस का एक पार्ट होता है आपका, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। और अभी इस टॉपिक को लेके जो है आपका यूपीएससी काफी ज्यादा एक्टिव है। हमने रिसेंटली अर्बन फ्लड्स पे एक क्वेश्चन देखा था मेंस में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें इस वाले टॉपिक पे भी जो है हमें क्वेश्चन आने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आपके स्टार्टिंग में कुछ स्टैट्स दे रखी है। ठीक है, लाइटिंग स्ट्राइक्स हैव कॉस्ट 1771 डेथ बिटवीन अप्रैल 1, 2019 एंड मार्च 31, 2020। ठीक है, तो अगर हम पिछले साल से लेके इस साल तक के मार्च की बात करें, तो लाइटनिंग की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई, तो अगर हम उसके स्टैट्स में डालें तो वो आपका जो आंकड़ा है वो आपका है 1771। ठीक है, 1771 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई लाइटनिंग की वजह से, बिजली गिरने की वजह से। ठीक है, और ये जो आपका रिपोर्ट जो आपकी निकाली गई है, ये रिपोर्ट हमें दी गई है क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल की। ठीक है, ये आपकी एक एनजीओ है, CRO PC। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, जो इसने इतना जितना भी काम किया है वो उसने IMD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, मतलब कितने सारे देख लीजिए आप रिलायबल जो सोर्स है। ठीक है, रिलायबल जो आपकी ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है सारे, इन सबके साथ मिलकर जो है इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने उत्तर प्रदेश विद 2093 डेथ, सॉरी 293 डेथ, मध्य प्रदेश 248, बिहार 221, उड़ीसा 200 एंड झारखंड 172 डेथ। ठीक है, तो अगर इन देशों अगर हम सारे इन इन सारे स्टेट्स में जो आपके ये नंबर्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये जो है आपका 60% हो जाता है जितने भी लोगों की मृत्यु आपकी लाइटनिंग से हुई। ठीक है, अगर हम सबको टोटल कर दे तो। ठीक है, और वही ये जो नंबर है आपका, ठीक है, ये 33% है टोटल उन मृत्युओं का जो कि नेचुरल डिजास्टर से हुई। ठीक है, सिर्फ सिर्फ आपकी लाइटनिंग से नहीं, बल्कि आप किसी भी नेचुरल डिजास्टर को देख लीजिए, अर्थक्वेक हो गया आपका, चाहे आपका कोई साइक्लोन हो गया, एक्सेट्रा कुछ भी हो गया। ठीक है, तो उन सारे डिजास्टर्स को मिला के जितनी भी जो हमारी हमें मृत्यु देखने को मिली, ठीक है, उनका 33% जो है हम इन 500 स्टेट्स में सिर्फ लाइटनिंग की मृत्यु से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑल द फोरकास्ट एंड वार्निंग्स आर मेड अवेलेबल थ्रू मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस, इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑल रीजन। ठीक है, आपको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, तो कहीं ना कहीं हम न्यूज़ को पहले से फोरकास्ट देख लेते हैं और टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज दिए जाते हैं कि जो है लाइटनिंग संभावना है, तो आप लोग जो है अपने घर से बाहर ना निकले। ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो बता दी जाती है कि आप ये सारे काम ना करें। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स अकर ड्यू टू दिस एज नॉट मच अवेयरनेस हैज बीन अंडरटेकन, लेकिन फिर भी जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो इतने बड़े लेवल पर नहीं है। ठीक है, और अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करें, गवर्नमेंट ने जो लापरवाही बरती है, तो वही बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत सरकार है, उन्होंने अभी तक जो है लाइटनिंग को एक डिजास्टर के रूप में जो है नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है, अभी तक जो है लाइटनिंग को डिजास्टर के रूप में नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। अगर हर साल जो है इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को इस तरह ध्यान अवश्य देना चाहिए। ठीक है, और ना ही किसी राज्य सरकार ने जो है बहुत सारी राज्य सरकार आपकी ऐसी जिन्होंने जो है इसको एक डिजास्टर के रूप में नोटिफाई कर रखा है, लेकिन बहुत सारी राज्य सरकार आपकी ऐसी भी है जिन्होंने इसको अभी तक डिजास्टर के तौर पर जो है नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है, ऑल्दो द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज एन एनिमल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, देयर हैजंट बीन एनी कंप्लायंस पर्टेनिंग टू लाइटनिंग फेटेलिटीज। ठीक है, तो जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, तो उनके पास आपका एक एनिमल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। ठीक है, देयर हैजंट बीन एनी कंप्लायंस पर्टेनिंग टू लाइटनिंग फेटेलिटीज। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लाइटनिंग फैटलिटीज की, ठीक है, तो वहां पर भी जो है हमें इतनी कॉम्प्लायंस देखने को नहीं मिलती एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री की तरफ से भी। ठीक है, उस एनिमल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में भी जो है कोई इतनी ज्यादा आपकी क्लाइंस नहीं है। ठीक है, लाइटनिंग फैटलिटीज के लिए भी, क्योंकि आपको पता है जब लाइटनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उससे एनिमल्स की लाइफ से भी बहुत ज्यादा जो है खतरा हो जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस उससे सहना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उस निर्दोष जानवर की तो मृत्यु हो ही रही है।
So how does lightning occur? Lightning is the process of the occurrence of natural electrical discharge of very short duration and high voltage between a cloud and the ground or within a cloud. ठीक है, तो आपकी एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, कि जो आपकी लाइटनिंग है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, ठीक है, जो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज में रहती है, और ये आपका इंटर क्लाउड भी हो सकता है, इंट्रा क्लाउड भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये क्लाउड और लैंड के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने हमें पता है कि जो आपकी बिजली है वो जमीन पर भी कई बार गिरती है, और इससे इसकी वजह से जो है मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देन इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो इतनी सारी मृत्यु हो रही है इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो जो आपकी काल बैशाखी, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्स, जो आपका एक तरह का एक थंडरस्टॉर्म है जिसमें लाइटनिंग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो जो है ईस्टर्न इंडिया में, जो आपका ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है लाइफ क्लेम करता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो है जान इसमें जाती है, ठीक है। तो जो आपका सी आर ओ पी सी है, जिस एनजीओ के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ठीक है, तो उनका ये कहना है कि अर्ली लाइटनिंग वार्निंग टू फार्मर्स, कैटल ग्रेजर्स, चिल्ड्रन एंड पीपल इन ओपन एरिया की, ठीक है, तो जो आपके जो ओपन एरिया में रहने वाले जो आपके लोग हैं, किसान, ठीक है, जो अपने पशुओं को चराते हैं, ठीक है, वहीं बच्चे और जो ओपन एरियाज में रहने वाले लोग, अगेन फिर से वो, ठीक है, तो उनको जो है हमें अर्ली वार्निंग दे देनी चाहिए, ठीक है, और वहीं देन लोकल लाइटनिंग सेफ्टी एक्शन प्लान लाइक इंस्टॉलिंग लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस ऑल्सो नीड टू प्रिवेंट दैट, ठीक है, तो मतलब हमें एक लोकल प्लान भी जो है अपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए लोकल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर्स की और कैटेगरीज की बात क्यों गई, क्यों कही गई, क्योंकि आपको पता है फार्मर्स जो है वो मोस्टली अपना टाइम खेतों में बिताते हैं, ठीक है, तो बारिश वारिश अगर होती है तो वो क्या करते हैं, वो जाकर पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, अगर बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो आपको पता है बारिश हो रही है तो नीचे पानी तो भरा रहेगा, ठीक है, आपको पता है पानी जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर से बिजली गिरेगी, ठीक है, मान लीजिए पेड़ पे भी अगर गिर गई तो फिर कहीं ना कहीं वो जो आपकी जो आपका वो करंट है, जो आपकी वो लाइट है पूरा, ठीक है, वोल्टेज, वो कहीं ना कहीं आपका उससे होता हुआ नीचे आपके आएगा, नीचे आपका पता है आपको पानी है, ठीक है, तो उसमें से कंडक्ट होते हुए वहाँ पे जो आपका फार्मर खड़ा रहता है, ठीक है, उसको जो है नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है, नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत जो है भारी नुकसान उसको हो जाएगा, ठीक है, लाइफ तक उसकी चली जाती है, मोस्टली केसेस में लाइफ चली जाती है, ठीक है, तो आगे भी हम इसको एक बार देख लेंगे। वट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूज टू फोरकास्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ठीक है, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो आपका जो सी आर ओ पी सी है, ठीक है, उन्होंने जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर जो आपकी आती है डिपार्टमेंट, ठीक है, उनके साथ एक एम ओ यू साइन कर रखा है, ठीक है, और ताकि वो जो है अर्ली फॉरकास्टिंग कर सके लाइटनिंग की, ठीक है, और सेटेलाइट ऑब्जर्वेशन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें आपके जो इसमें आपके जो डॉपलर हैं और जो आपके अदर रडार्स हैं, ठीक है, उनमें से आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है, देन आपके लाइटनिंग डिटेक्शन सेंसर्स का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, दिस मेक्स लाइटनिंग फोरकास्ट यूनिक विद बेस्ट पॉसिबल लीड टाइम ऑफ इवन अ वीक टेकिंग इन टू अकाउंट द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सीवियर थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग प्री मॉनसून, ठीक है, द रिपोर्ट सेज ड्यूरिंग द कोविड ड्यूरिंग द 2019 प्री मॉनसून सीजन ऑफ मार्च अप्रैल मे द टूल हेल्प फोरकास्ट थंडरस्टॉर्म्स विच हैव बीन सेविंग पब्लिक लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इन सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है हमने कई सारी जिंदगियों को बचाया है, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज का भी नुकसान होने से हमने बचाया है, ठीक है, तो अब एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस में हमें क्या पता लगता है, ठीक है, एनालिसिस में हमें ये पता लगता है कि जो आपकी लाइटनिंग होती है वो आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक जो आपकी ओरिजिनेट होती है वो आपकी छोटा नागपुर प्लेटी से होती है, ठीक है, आपको पता है छोटा नागपुर प्लेटी जो आपका है वो आपका ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के कन्फ्लुएंस पे आता है, ठीक है, मतलब इन सारे इन तीनों स्टेट्स में जो है ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आता है, ठीक है, और देन ये आपका बांग्लादेश से फिर आपका ये आपका मेघालय में आपकी जो आप पटकाई प्लेट्यू है आपका काफी फेमस है, ठीक है, वहाँ तक ही रहता है, ठीक है, द रीजन फॉर डेथ वॉज दैट पीपल वर कॉट अनअवेयर्स एंड अबाउट 78% डेथ टुक प्लेस ड्यू टू पीपल स्टैंडिंग अंडर आइसोलेटेड टॉल ट्रीज, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि जो 78% डेथ होती है ना, 78% जो आपकी होती है, ठीक है, मतलब 3/4 से भी ज़्यादा जो आपकी डेथ होती है, ठीक है, वो आपकी इस वजह से होती है क्योंकि लोग जो होते हैं वो आपके जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनके नीचे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जाकर बारिश से बचने के लिए, आपको पता है जब बारिश होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो है बिजली भी कड़कती है, बिजली भी आपकी चमकती है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि रीज़न क्या होता है, क्योंकि नीचे पानी रहता है, ठीक है, पानी को अगर अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, तो बिजली गिरेगी तो कहीं ना कहीं वो पानी में से कंडक्ट हो जाएगी और फिर जो वहाँ पे जो इंसान खड़े रहेंगे, ठीक है, वो जो है उन पर खतरा हो जाएगा,
ठीक है, तो ये था द रिपोर्ट मेंशन दैट द रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन, डिप्लीशन ऑफ वाटर बॉडीज, कॉन्फिसाइजेशन, राइजिंग पॉल्यूशन एंड एरोसोल लेवल्स हैव कम्युलेटिवली पुश द एनवायरनमेंट टू एक्सट्रीम। ठीक है, तो उनका यही कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज जो हमें देखने को मिलता है, जो हम लोग जो है अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन, डिप्लीशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, ये सारे जो है कारण है इन सब चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से जो आपकी लाइटनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंट हो गई है, वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट हो गई है। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू की आप एक बार देख लीजिए जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, क्योंकि ये थी, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, आप देख लीजिए, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू पूरा। ठीक है, ज़्यादा थोड़ी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं है, सॉरी। ठीक है, यहाँ आपको पता है वेस्ट बंगाल है आपका, ठीक है, यहाँ पर झारखंड भी आ जाता है। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग प्री मॉनसून टू इनिशियल मॉनसून फैटलिटीज आर मोर टू फार्मर्स एज दे आर आउट इन द एग्रीकल्चर फील्ड और इन ऑर्गर्ड। ठीक है, तो यही बताया गया है कि फार्मर्स जो है आपकी, क्योंकि मोस्टली जो है आपका ओपन एरियाज में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपना मोस्टली जो है फील्ड में रहते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है इनकी मृत्यु जो है अगर बिजली कड़कती है तो इनके चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसा हो भी जाता है कि वो अपनी जो है जान गंवा बैठते हैं। ठीक है, इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, अगर सितंबर की बात करें तो जो आपकी जिनकी ज़्यादा डेथ होती है वो आपके होते हैं जो कि पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस मैं आपको 2 बार पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, तो वो रीज़न यहाँ पे है। ठीक है, लाइटनिंग फर्टिलाइज इन बिहार इज मोर ड्यू टू लेटरल स्ट्राइक देन डायरेक्ट स्ट्राइक। बिहार प्लेन्स हैव वास्ट एग्रीकल्चरल फील्ड स्पेशली नॉर्थ ऑफ द गंगा एंड आर डिवाइड ऑफ ट्री। ठीक है, तो देख लीजिए ये पेड़ पे जो है आपकी बिजली गिर रही है। ठीक है, ये मैंने आपको आपके लिए एक इमेज लगाई है, ठीक है, ये दिखाने के लिए लगाई है कि देखो ये बिजली गिर रही है, ठीक है, आपका पेड़ है, ठीक है, देखिए पूरी पूरी कंडक्ट हो रही है, नीचे तक पूरी जा रही है ना। ठीक है, और यहाँ पर अगर पानी होगा तो कहीं ना कहीं जो है उसमें उस एरिया में जो आपकी बिजली है वो आपकी देन कंडक्ट हो जाएगी इजिली। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर खड़े वाला जो आपका इंसान होगा उसके लिए थोड़ी खतरे वाली बात है। ठीक है, उड़ीसा की स्टोरी की बात करते हैं, उड़ीसा के बारे में उन्होंने छोटी सी जो है एक आपका बताया है, ठीक है, कि उड़ीसा में जो है आपके 11.20 लाख प्लस जो आपकी लाइटिंग स्ट्राइक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कितना बड़ा अमाउंट है, देख लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है सच्ची में। ठीक है, हमें लिखने में भी इतना टाइम लग जाएगा सोचिए, और इतनी ज़्यादा जहाँ पर बिजली गिरती है। ठीक है, तो अगर हम कंट्री में बात करें तो कंट्री में सबसे ज़्यादा जो हमें बिजली देखने को मिलती है, ठीक है, गिरने की, वो हमें ही देखने को मिलती है। ठीक है, और देख लीजिए आप, मतलब 11.20 लाख लाइटिंग स्ट्राइक में से सिर्फ आपकी 200 कैशुअलिटीज हुई हैं। ठीक है, जब साइक्लोन फानी जब आपका आया था, ठीक है, तो आपको पता है 2019 में आपका साइक्लोन फानी आया था। ठीक है, तो उस वक्त जो है मैं बहुत ज़्यादा जो आपकी लाइटिंग स्ट्राइक हमें देखने को मिली, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा बार जो है वहाँ पर बिजली कड़की, बिजली जो है स्ट्राइक हुई। ठीक है, और कम से कम आपके 12 लाख लोगों को जो है इवैकुएट कर किया गया, और लेकिन फॉर्चुनेटली, ठीक है, जो फख्र की बात है, जो खुशी की बात यह है कि बेशक जो है 1 लाख से ज़्यादा बार जो है लाइटिंग स्ट्राइक हुई, ठीक है, 12 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है इवैकुएट भी किया गया, ठीक है, लेकिन हमें 0 कैजुअलिटी देखने को मिली, किसी की भी मृत्यु हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगहों पर जो है उनको इवैकुएट किया गया था, अच्छी जगह से उनको ले जाया गया था, ठीक है, शिफ्ट किया गया था, और जो आपके शेल्टर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, और लाइटनिंग अरेस्टर्स जो थे वहाँ पर आपके मौजूद थे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड गुजरात रिकॉर्ड 35 डेथ्स ऑन एंड ऑन अप्रैल 10, 2019 अ स्ट्राइक ऑन बनसकंठा रिफाइनरी ट्रिगर्ड अ फायर दैट रिजल्टेड इन लॉस ऑफ ₹25 करोड़। बिहार हैड हाफ द लाइटिंग स्ट्राइक्स इन झारखंड बट हैड मोर डेथ। ठीक है, तो वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपकी जो लाइटिंग स्ट्राइक है वहाँ की, उसके इंसिडेंस बहुत कम है, उसके इंसिडेंस जो आपके कम है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कैजुअलिटी की बात करें तो कैजुअलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुजरात को जो है अपने अपनी अप्रोच पे फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है, जो है अपने और जो उसके डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्लान्स हैं उनको जो है फिर से कंक्रीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ लाइटनिंग। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत भारी रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ कंपेंसेशन की, तो कंपेंसेशन जो गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है, तो वो आपका पर विक्टिम आपका 4 लाख रुपीज़ था। ठीक है, और पिछले अगर 5 साल की बात करें तो हमें 13,994 फैटलिटीज देखने को मिली है, फैटलिटीज देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आपका जो कंपेंसेशन का सिर्फ हम जो आपका अमाउंट हो गया वो आपका 359 करोड़ रुपीज़ है, सिर्फ कंपेंसेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम प्रॉपर्टी के नुकसान की बात करेंगे, मान लीजिए बहुत सारे आपके कम्युनिकेशन टावर्स आपके जो हैं
वो आपके खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको रिस्टोर करने में गवर्नमेंट जो है पैसे लगाती है, ठीक है। बहुत सारी एनिमल जो होते हैं उनकी जो है जिंदगी चली जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका लॉस होता है, ठीक है, सिर्फ उसके मालिक को नहीं बल्कि गवर्नमेंट को भी उनका लॉस लॉस रहता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो देश की जीडीपी में ही जो है आपका कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। और वहीं अगर लोगों की मृत्यु हो रही है तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल है हमारे देश में, कहीं ना कहीं उस पर हमें नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या आई रिपोर्ट की, तो उन्होंने यही कहा कि जो जो लाइटनिंग है उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट्स को उसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप में जो है नोटिफाई कर देना चाहिए, ठीक है, उनका यही कहना है। और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिन्होंने अभी तक इसको डिजास्टर के तौर पे जो है नोटिफाई नहीं किया, उनको भी कहीं ना कहीं समय पर सोचना चाहिए, इसको जो है एक डिजास्टर के रूप में जो है नोटिफाई कर देना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी डायरेक्टिव एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, इन सब में जो है लाइटनिंग को एक अच्छा रोल, एक अच्छा जो है मेंशन जो है इसको मिलना चाहिए, ठीक है, अटेंशन भी मिलना चाहिए, ठीक है। द एनडीएम हैज इशूड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइटनिंग एक्शन प्लान टू स्टेट, बट द लार्ज नंबर ऑफ फैटलिटीज शो दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो नीड अ मोर साइंटिफिक एंड फोकस्ड कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। जो आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने जो है लाइटनिंग को लेकर काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जो है ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ गाइडलाइंस निकालने से कुछ होगा नहीं अगर आप जो है कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी आप अगर नहीं लेकर आएंगे तो, क्योंकि आपको पता है कि लाइटनिंग जो है कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में हो सकती है, उसको हम जो है किसी एक पर्टिकुलर रीजन तक नहीं रख सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हमें एक साइंटिफिक और फोकस्ड सेंट्रिक अप्रोच चाहिए, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। और वहीं ना और कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में आना चाहिए और अपना अपना रोल ढंग से प्ले करना चाहिए, ठीक है। और वहीं आपके जो आपके कर्नल श्रीवास्तव है उनका ये कहना है कि जो हमें जो है एक नेशनल लाइटनिंग रेजिलियंस प्रोग्राम की जरूरत है, ठीक है, जो ताकि पूरा जो है हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार हो कि हमें कैसे कैसे डीलिंग करनी है, ठीक है। वहीं हमें लाइटनिंग की मैपिंग करनी चाहिए, ठीक है, अगर मैपिंग हमारी हो जाएगी ढंग से तो कहीं ना कहीं हम जो है प्रीएम्प्ट करके बहुत सारी लाइफ को हम बचा सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सब करने से हमारे पास इतना सब डाटा कलेक्ट करने से हमारे पास जो है एक हमारी लाइटनिंग रिस्क एटलस मैप हमारे हमारे देश में हमारे लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि हम जो है आसानी से इस कंटिजेंसी के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपके जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो एनहांस हो गई होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अचीव आई एस एंड जोन टेलीग्राम, थैंक यू सो मच।